भारत की मदद पाकर भी चीन की गोद में बैठ गया श्रीलंका। धोखा मिलने पर अब मोदी ने यूएन में श्रीलंका को तबीयत से रगड़ा। आखिर क्या है मोदी का तमिल कार्ड जिस पर कूद पड़ा अमेरिका। मोदी की हुंकार के आगे चीन और पाकिस्तान भी क्यों हुए बेबस। दोस्तों, रावण की लंका यानी श्रीलंका संकट में फंसी तो मोदी ने तुरंत सहायता पहुंचाई, लेकिन एहसान फरामोश श्रीलंका अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। संकट थोड़ा सा हटा तो भारत पर ही संकट बन बैठा। भारत के सबसे बड़े दुश्मन देश चीन को वो रास्ता दे डाला जिससे पूरे के पूरे भारत की ही जासूसी हो सके। टीम मोदी ने बार बार समझाया लेकिन नहीं समझा, लेकिन अब मोदी तबीयत से समझा रहे हैं। एक के बाद एक मोदी ने वो तारीफ बना दिए हैं कि श्रीलंका की हालत खराब होने लगी है, क्योंकि ना अब चीन की मदद काम आने वाली है और ना ही पाकिस्तान की सहायता। तो आखिर मोदी ने एहसान फरामोश श्रीलंका का वो कौन सा ताबीज बना डाला है कि वो बाप बाप करने लगा है। दुनिया के मंच पर श्रीलंका को मोदी अब क्यों लताड़ने लगे हैं, और अब क्या श्रीलंका भारत के पाले में फिर से आ जाएगा, या तमिल कार्ड के जरिए श्रीलंका में कोई बड़ा ही गेम करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये बात मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि मोदी ने आखिर क्या गेम प्लान सेट किया है जिससे श्रीलंका तड़प उठा है। तो दोस्तों, भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में श्रीलंका के खिलाफ आए प्रस्ताव पर मतदान से परहेज किया है। UNHRC में श्रीलंका में सुलह, जवाबदेही और मानवाधिकारों को बढ़ावा नाम के प्रस्ताव को मतदान के लिए पेश किया गया था। मानवाधिकार परिषद के 47 सदस्यों में से 20 सदस्यों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। श्रीलंका के खिलाफ आए प्रस्ताव के विरोध में केवल 7 वोट ही पड़े, जिनमें पाकिस्तान और चीन शामिल थे। बाकी के सदस्य देशों ने मतदान से दूरी बनाकर रखी। जिनेवा में मानवाधिकार परिषद के 51वें सत्र के दौरान श्रीलंका को लेकर हुए मतदान के बाद आधिकारिक बयान जारी किया। इसमें बताया गया है कि श्रीलंका में सुलह, जवाबदेही और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने वाले प्रस्ताव को लेकर भारत की क्या राय है। दरअसल दोस्तों, UNHRC में लाए गए प्रस्ताव में श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट पर सुलह, जवाबदेही और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने की बात की गई थी। श्रीलंका 1948 में अपनी स्वतंत्रता के बाद से सबसे खराब आर्थिक दौर से गुजर रहा है। हालांकि मतदान से पहले श्रीलंका ने इस प्रस्ताव को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। श्रीलंका के वित्त मंत्री अली साबरी ने कहा था कि हम बाहरी ताकतों को ये समझाने की अनुमति नहीं देंगे कि हम अपनी अर्थव्यवस्था का प्रबंधन कैसे करें। हमने आर्थिक सुधार के लिए खुद के उपाय किए हैं, साबरी ने कहा है कि UNHRC के पास आर्थिक मामलों को निर्धारित करने के लिए विशेषज्ञता का अभाव है। हालांकि दोस्तों, भारतीय राजदूत इंद्रमणि पांडे ने इस मामले पर कहा कि एक नजदीकी पड़ोसी होने के कारण भारत ने 2009 के बाद श्रीलंका में राहत, पुनर्वास, पुनर्निर्माण और पुनर्निर्माण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हाल ही में इस साल जनवरी से भारत ने हाल के आर्थिक संकट की चुनौतियों का सामना करने के लिए कदम बढ़ाया है और श्रीलंका के लोगों को अभूतपूर्व सहायता प्रदान की है। भारतीय राजदूत ने कहा कि श्रीलंका में शांति और सुलह के लिए एक स्थायी और प्रभावी समाधान खोजने में भारत ने हमेशा दो मूलभूत सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया है। इनमें तमिलों के लिए सम्मान, न्याय, गरिमा और शांति और एकता, क्षेत्रीय अखंडता और श्रीलंका की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान शामिल है। दोस्तों, बदगुमान और एहसान फरामोश श्रीलंका को रगड़ने के लिए मोदी ने यही तमिल कार्ड खेला है जिस पर कभी राजीव गांधी ने गलती की थी, लेकिन मोदी ने तुरंत ही इस पर कमर कस ली है, क्योंकि यही वो कार्ड है जो श्रीलंका से चीन और पाकिस्तान की विदाई करवाने वाला ब्रह्मास्त्र है। इसके लिए बाकायदा भारतीय राजदूत ने श्रीलंका सरकार को मोदी की मंशा से रूबरू करवा भी दिया है। दोस्तों, मोदी ने अब साफ कर दिया है कि सभी श्रीलंकाई लोगों के लिए
समृद्धि हासिल करना और श्रीलंका के तमिलों की समृद्धि, गरिमा और शांति के लिए वैध आकांक्षाओं को साकार करना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोस्तों, चीन से मिले तगड़े धोखे के बाद भी श्रीलंकन सरकार एक बार फिर से जिनपिंग के आगे ही हाथ फैलाकर बैठी है। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने संसद को बताया है कि वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ फिर से बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों, भारत का सपोर्ट हासिल करने के बाद अब विक्रमसिंघे कह रहे हैं कि चीन प्राचीन काल से हमारी मदद करता रहा है और हमें भरोसा है कि वे इस कठिन समय में भी ऐसा ही करेगा। श्रीलंका दिवालिया हो चुका है और उसने अपने 51 अरब अमेरिकी डॉलर के विदेशी ऋण को चुकाना बंद कर दिया है। उसे 2027 तक 28 अरब डॉलर चुकाने हैं। इस मामले में भारत ने उसकी 4 अरब डॉलर की मदद की है, लेकिन वो फिर से चीन की ही गोद में बैठ रहा है, जिस पर मोदी सरकार काफी खफा है क्योंकि वो अपने पोर्ट्स को चीनी फौज को सौंप रहा है। चीन के युद्धपोत और जासूसी जहाज लगातार श्रीलंका आकर भारत की जासूसी कर रहे हैं। हालांकि अब संयुक्त राष्ट्र में मोदी ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ झटकों से श्रीलंका की हालत खराब कर दी है।